सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 257 पर दिए तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन करेंगे। यह कार्य आपको 17 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब अपनी अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 257 निकाल लें, साथ ही एक उत्तर पुस्तिका भी निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। विषय पर चर्चा करते करते आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको 3 मिनट दिए जाएंगे। उन 3 मिनट में ही आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, सबसे पहले हम तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा सम, तत् जमा सम अर्थात उसके समान। जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द भाषा को सुधारने में सहायक हो सकते हैं, साथ ही पर्यायवाची शब्दों में भी सहायक होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, दुग्ध, सर्प, आम्र, चंद्र, कर्म आदि। ये तत्सम शब्द हैं। तद्भव तत् जमा भाव से बना है, जिसका अर्थ है उसी से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, आग, दूध, सांप, आम, चांद, काम आदि। ये तद्भव शब्द हैं। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है।
अतः हिंदी में दोनों प्रकार के ही शब्द मिलते हैं। बच्चों, अब मैं आपकी पुस्तक में दिए तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ूंगी। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तद्भव से तत्सम शब्द में परिवर्तन। पहला शब्द है अचरज, जो कि तद्भव शब्द है। अचरज का तत्सम शब्द होगा आश्चर्य। इसी प्रकार आठ तद्भव शब्द है और आठ का तत्सम शब्द जब लिखेंगे तो होगा अष्ट। इसी प्रकार आगे तद्भव शब्द के तत्सम शब्द दिए गए हैं आंख, अक्षी, आग, अग्नि, घर, गृह, जीभ, जिव्या, दही, दधि, धुआं, धूम्र, कछुआ, कच्छप, कान, कर्ण, किवाड़, कपाट, कोयल, कोकिल, बूंद, बिंदु, मुंह, मुख, मीठा, मिष्ट, मोर, मयूर। इसी प्रकार अमी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा अमृत। आम, आम शब्द का तत्सम रूप होगा आम्र। ओट, ओष्ट, गेहूं, गोधूम, घी, घृत, थन, स्तन, दूध, दुग्ध, ईख, इक्षु, काज, कार्य, काम, कर्म, कुम्हार, कुंभकार, बहु, वधू, भगत, भक्त, माथा, मस्तक, मीत, मित्र, मुट्ठी, मुष्टि। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट का विराम लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न एक, तत्सम और तद्भव में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। क, आठ, ख, दूध, ग, कान, घ, मीत। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। क,
मस्तक, ख मयूर, ग वधु, घ कोकिल। बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दी गई 3 मिनट की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूं कि आपने उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी उत्तर पत्रिका में लिख लिए होंगे। अब मैं आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूं जो इस प्रकार हैं। उत्तर 1, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में भी बिना परिवर्तित हुए प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है और यदि उन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त करें तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। उत्तर 2, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप हैं क, 8, 8 शब्द का तत्सम रूप है अष्ट, ख, दूध, दुग्ध, कान, कर्ण। मित्र, उत्तर 3, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप हैं क, मस्तक, माथा, ख, मयूर, मोर, ग, वधु, बहु, घ, कोकिल, कोयल। बच्चों, अब हम आगे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों को भी पढ़ेंगे। आपका ध्यान इसी प्रकार अपनी अपनी पुस्तक पर ही केंद्रित होना चाहिए। तद्भव से तत्सम शब्द बनाना। नेह, स्नेह, पाहन, पाषाण, पंख, पक्ष, पिता, पितृ, पोता, पौत्र, शक्कर, शर्करा, सुहाग, सौभाग्य, साग, शाक, सीस, शीर्ष, सेठ, श्रेष्ठी, सीख, शिक्षा, हाथी, हस्ती, अंधा, अंध, हड्डी, अस्थि, ऊंट, उष्ट्र, किशन, कृष्ण, गधा, गर्धब, मिट्टी, मृतिका, सौ, शत, भाप, वाष्प, घड़ा, घट, जेठ, ज्येष्ठ, नींद,
निद्रा, भीख भिक्षा, मोती मोक्तिक, सांवला श्यामल, सोना स्वर्ण। इसी प्रकार आगे दिए गए शब्द हैं नैन नयन, पत्थर प्रस्तर, पांव पाद, पूत पुत्र, लाज लज्जा, सूत सूत्र, सांकल श्रृंखला, सिंगार श्रृंगार, सूरज सूर्य, सात सप्त, हाथ हस्त, उंगली अंगुली, आंसू अश्रु, उल्लू अलूक, कुआं कूप, माथा माथा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा मस्तक। इसी प्रकार मक्खी मक्षिका, लाख लक्ष, बंदर वानर, घोड़ा घोटक, चांद चंद्र, नाक नासिका, नाच नृत्य, भंवरा भ्रमर, सांस श्वास, सच सत्य, शाम साय। बच्चों अब हमारे तत्सम तद्भव शब्द समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूं कि आपने इन शब्दों को ध्यान पूर्वक सुना एवं समझा होगा। सभी छात्र इन शब्दों को पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूं। इस कार्य को आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एवं याद भी करेंगे। गृह कार्य, सभी छात्र अपनी व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 257 एवं 258 पर दिए तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे एवं अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। हिंदी विषय पढ़ने वाले सभी छात्रों का इस कार्य को करना अनिवार्य है। सभी छात्र इस कार्य को सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।